तो पावर बी आई, पावर बी आई इसका यूज होता है डेटा विजुलाइजेशन के लिए, डेटा को सही ढंग से विजुलाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जब पावर बी आई खोलते हैं तो आपको लॉगिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पावर बी आई का दो पार्ट होता है, एक वेब एप्लीकेशन होता है और दूसरा हमारा रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस डेस्कटॉप वर्जन है, जो आप देख पा रहे हैं डेस्कटॉप वर्जन, मतलब कि हम रिपोर्ट डेस्कटॉप पे बनाते हैं फिर उसको पब्लिश करते हैं जो कि चला जाता है वेब पे, वेब पे जाने के बाद वहाँ से हम उसको लिंक में कन्वर्ट करते हैं और बाकी जगहों पे भेज सकते हैं। तो इसकी आईडी आप माइक्रोसॉफ्ट साइट पे जाके साइन अप कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको उसके बाद इसमें लॉगिन कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि पावर बी आई में डेटा कैसे लोड करेंगे, क्योंकि जब तक डेटा लोड नहीं करेंगे तब तक पावर बी आई में कुछ होगा नहीं, क्योंकि पावर बी आई के पास अपना कोई डेटा होता नहीं है, हमें कोई डेटा लोड करना होता है। तो अब ये डेटा जाके देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के डेटा है, अगर मोड पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी के डेटा को लोड कर सकता है, जैसे कि एक्सेल वर्कबुक की फाइल को, डेटाबेस को, आपका जो है फाइल पर्टिकुलर फाइल से ले सकता है, पर्टिकुलर डेटाबेसेस देख रहे हैं कितने सारे डेटाबेसेस है इसकी, पावर बी आई प्लेटफॉर्म है वहाँ से ले सकते हैं, अजूरे अगर है आपके पास तो अजूरे से ले सकते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज जैसे ऑनलाइन जैसे शेयर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, ये सब जो एनालिटिक्स वाला पार्ट है वहाँ से भी डेटा को हम ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ अनकैटेगराइज जैसे कि वेब से लेना, वो डेटाबेस लेना, हडूप फाइल लेना, ओ डी बी सी कनेक्ट करना, ओएलई कनेक्ट करना, पाइथन का स्क्रिप्ट या आर स्क्रिप्ट डायरेक्ट रन करना, यहाँ से वो चीज़ें कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो है ऑल पे यहाँ फाइल पे जाके एक्सेल फाइल को हम लेते हैं, क्योंकि जनरली हम एक्सेल फाइल से करते हैं। हाँ जी, कनेक्ट पे क्लिक कीजिए, कनेक्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने अपना डेटा आएगा, डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने इस फाइल के जितने नंबर ऑफ शीट्स हैं वो आपको दिख जाएगा, जैसे कि एक ही शीट है दिख गया, इसको क्लिक करेंगे, अब देखिए इसको क्लिक सिंपल क्लिक करेंगे तो यहाँ डेटा दिखेगा, बट ये आपका लोड जो है ना ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये लोड दिख रहा है सर? जी सर, ये लोड आपका एक्टिवेट नहीं होगा। राइट, लोड कब एक्टिवेट होगा? जब डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए डेटा आपको अगर सही दिख रहा है तो सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि लोड होते ही डेटा पावर बी आई में चलाएगा। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म कब करेंगे, जैसे कि मान लीजिए उसमें कुछ कॉलम जो है जो कि एक्स्ट्रा है मुझे नहीं चाहिए, या कुछ कैलकुलेट की भी कॉलम नहीं है, जैसे कमीशन नहीं है, कुछ ऐसे कैलकुलेशन करनी है आपको, मैंने कोई कॉलम हटाना है, कोई कॉलम डिलीट करना है, कोई रो हटाना है, कोई रो डिलीट करना है, फिल्टर लगाना है, तो आप ट्रांसफॉर्म करके पावर क्वेरी पे चले जाते हैं। तो फिलहाल हम पावर क्वेरी पे नहीं जा रहे हैं, हम सीधे लोड डेटा पे क्लिक कर रहे हैं। लोड डेटा पे क्लिक करते ही डेटा हमारे सामने आपको दिख जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि डेटा हमने यहाँ पे लोड किया तो आप देख पा रहे हैं कि डिफरेंट फील है। हम सबको कहते हैं कि पावर बी आई जस्ट लाइक ए पिवट टेबल। पिवट टेबल जैसे मैंने यहाँ से टेबल पिक कर लिया और यहाँ पे हम जो मर्जी डालेंगे उस हिसाब से रिपोर्ट बनता चला जाएगा। जब जैन डाले हम यहाँ पे टोटल डाल दिए तो ये देखिए जोन वाइज टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आ गया? आ गया। अब इसको अभी क्या है, टेबल फॉर्म में है, यू कैन चेंज द विजुलाइजेशन फॉर्म, आप इसको विजुलाइजेशन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की विजुलाइजेशन है उसमें चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी हम इनसाइड द पावर बी आई में जाने से पहले जो डेटा है वो किस किस्म का डेटा, किस फॉर्मेट में डेटा, क्या, क्योंकि अंदर जाके तो ये डेटा इंक्लूड करके रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह का रिपोर्ट बनता है, क्योंकि ये अंदर जो है वो तो करता है। पहले तो मैं जैसे आपने बोला ना, पहले हमें डेटा चाहिए तो इनपुट हमारा, अगर हमारा इनपुट ठीक नहीं है, मैं उन सब चीजों पे भी आता हूँ विफर जी, ठीक है ना। देखिए डेटा आपका डेटा फॉर्मेट में होना चाहिए, पहले जान लीजिए डेटा आपका डेटा फॉर्मेट, जैसे रो डेटा कैसा होता है समझ, इसमें कोई स्पेशल डेटा की जरूरत नहीं होती है,
बस पहला कॉलम जो है आपका हेडिंग होना चाहिए, उसके बाद डेटा होना चाहिए। डेटा अगर आपके पास डेटा है तो डेटा में आपका अगर जनवरी माने कि कोई जनवरी सेल्स का है, नंबर का कॉलम है, सिर्फ नंबर ही होना चाहिए, बीच में कहीं टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो जनरली जो एक्सेल पे जो रिपोर्ट बनाने के लिए डेटा चाहिए होता है ना, सेम उसी तरह का डेटा पावर बी आई में चाहिए होता है, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा को कनेक्ट कर सकता है। जैसे कि आपका डेटा है नोट पैड में पड़ा है, सी एस पी में पड़ा है, एक्सेस में पड़ा है, सिक्कुल में पड़ा है, ऑरिकल में पड़ा है, तो सब जगह से डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं पावर बी आई में। और डेटा अगर मान लीजिए सही नहीं है तो उसको हम लोग क्लीन भी कर सकते हैं। गोस्वामी जी आवाज आ रही मिली आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। अच्छा ये आपके साथ एक जफर जी हैं दुबई से, आज साथी के साथ रहेंगे, ठीक है सर? वालेकुम अस्सलाम। अब यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि कभी आपको डेटा सही नहीं मिला, जैसे कि मेरे पास एक वेब पेज है जिसे मैं देख रहा था ना, मैं गोल्ड का रेट देख रहा था कि 2016 से लेके अभी तक कितना गोल्ड का रेट है, राइट? तो मैंने क्या किया कि इस यूआरएल को मैं अपने पावर बीआई के डेटा कनेक्टिविटी में ले जाता हूँ, मैं चाहता हूँ क्या है, बट ये लिंक है इसलिए फ्रॉम वेब, क्योंकि वेबसाइट से डेटा लेके आ रहे हैं ना सर, तो इस वेबसाइट का यूआरएल हमने डाला एंड ओके किया। ओके करने के बाद ये बोलता है कोई लॉगिन वगैरह भी है कि एनिमल्स है या फिर कोई विंडोज लॉगिन है या कोई और एपीआई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट है तो लॉगिन कर सकते हैं, बट यहाँ कोई लॉगिन नहीं है, देन वी कैन यूज द कनेक्ट। अब कनेक्ट करने के बाद ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि इस सीट के ऊपर कितने नंबर ऑफ टेबल्स अवेलेबल है, क्योंकि किसी भी वेबसाइट से वो टेबल को ही लुक को लाएगा, बाकी को नहीं लाएगा। जैसे कि इसने टेबल वन को देखा, तो आप टेबल वन को देखिए क्या आपको यही डेटा चाहिए था, टेबल टू, टेबल थ्री, तो मैंने देखा कि नहीं नहीं मेरा टेबल वन का जो डेटा है ना यही डेटा है मेरा ओरिजिनल डेटा जो चाहिए। अब प्रॉब्लम है कि ये डेटा में ये डेटा सही नहीं है। सबसे पहले हमारा हेडिंग दिख रहा है सर आपको? हेडिंग में कॉलम वन कॉलम टू, मतलब कि हेडिंग को इसने पिक नहीं किया, राइट? दूसरा ये अमाउंट में आरएस लगा हुआ है। अब जैसे कि आप जानते हैं किसी भी नंबर के साथ अगर टेक्स्ट लग जाता है, क्या सर गोस्वामी जी, अगर टैक्स लग जाता है तो उस पर कैलकुलेशन होगा नहीं ना होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता सर। यहाँ पे हम करेंगे यहाँ से ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद हम चले जाएंगे कहाँ, पावर क्यूरी पे। जी हाँ, पावर क्यूरी एक्सेल पे भी वर्क करता है और आपका पावर बीआई पे भी वर्क करता है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म में यूज फर्स्ट रो एज ए हीडर, राइट, क्लिक किया, क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे ईयर्स हो गए और प्राइस 24 ग्राम है, इसको रखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राइस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये आर एस को कैसे हटाएगा, अब इसको हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर ही, या होम में भी आपको दिखेगा यहाँ पे स्प्लिट दिख रहा है आपको, स्प्लिट स्प्लिट कॉलम। तो यहाँ पे स्प्लिट कॉलम में हमने बोल दिया नॉन डिजिट टू डिजिट, दिख रहा है डिजिट टू नॉन डिजिट। अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ अलग तो हुआ लेकिन सही से नहीं हुआ, नहीं हुआ ना सर? तो चलो यहाँ से इसके स्टेप को हम हटा देते हैं। अब यहीं पे स्प्लिट बाय डिलिमिटर पे क्लिक करेंगे, या नंबर ऑफ कैरेक्टर है या पोजीशंस है, ठीक है? तो पोजीशन पे अगर क्लिक करते हैं तो आर एस और डॉट दिख रहा है ना, आर एस और डॉट। तो हमने बोला कि तीसरा चौथे नंबर से हमें स्प्लिट करना है, तो क्या आ रहा है, अभी भी गलत आया, एक बार आइए, चौथे ने तीसरे नंबर से स्प्लिट करना है नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे डिलिमिटर भी करेंगे डॉट, लेकिन मैं डॉट यूज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में भी डॉट लगा हुआ है ना सर, बात समझ रहे हैं सर?
तो बाई पोजीशन में हम यहाँ पे 3 करके ओके कर देते हैं। अब आरएस जो है वो हट गया ना सर, और यहाँ प्राइज आ गया, और यहाँ पे प्राइस आने के बाद ऑटोमेटिकली नंबर में एडिशनल में कन्वर्ट हो गया। ये 1.2 दिख रहा है, इट मीन्स क्या हुआ, एडिशनल है। अब यहाँ पे 2012 टिल डेट आ रहा है, दिख रहा है सर ये। अब इसमें किसी तरह का चेंजिंग आप नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे एक होता है रिप्लेस वैल्यू, तो रिप्लेस वैल्यू में यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और रिप्लेस वैल्यू ऐसे डबल क्लिक करके नहीं चेंज कर सकते, पर रिप्लेस वैल्यू में 2022 कर दिया। हो गया सर सही? अब परफेक्ट है। अब मैं यहीं पे यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा पावर बीआई में आ जाएगा। तो डेटा अगर सिप्टेन जी ये चीज मैंने जफर जी मैं आपको इसलिए बताया कि डेटा आपका अगर सही फॉर्मेट में नहीं है तो आपके पास टूल्स है पावर क्यूरी का, जिसको आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने मैंने किया है, राइट। और जब हम रिपोर्ट बनाते हैं उस समय इसका कोई कतई लेना देना नहीं है कि आप एक ही टेबल से रिपोर्ट बनाए, कई सारे टेबल से रिपोर्ट बना सकते हैं। जैसे कि मैं गोल्ड का फ्लो दिखाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे गोल्ड में यहां पे प्राइस यहां पे ईयर ले लिया और हमने इसकी प्राइस ले ली। अब यहां पे एक छोटा सा यहां पे देखिए आपके सामने आ गया कि गोल्ड की जो प्राइस रेट है वो आपके सामने, ठीक है सर। तो 1900 से शुरू हुआ और सीधे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है सर, ठीक है जी, ठीक है सर, समझे। और इसकी सेटिंग होती है, इसको सेटिंग चेंज कर लेंगे तो राइट लेफ्ट हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन अगर उसी से टेबल वन में जब आपने उसको किया, अगर टेबल वन में ही वो हमें हर एक डेकेड के बाद टोटल दे रहा होता, क्या वो उस टोटल को भी इंपोर्ट करेगा, जैसे आपने टेबल वन में जाएं पावर क्वेरी में नहीं, तो उसको रिमूव करना पड़ेगा पावर क्वेरी में टोटल। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर टोटल आएगा हर एक के कुछ के बाद सब टोटल नीचे दिखेगा तो आपका टोटल सेट कर जाएगा ना सर, क्योंकि ये आपका पावर बी आई एनालाइज नहीं कर पाएगा कि ये सब टोटल है। मान लीजिए 51 पे जो यहाँ लिखा हुआ है सबका टोटल है, ये कैसे एनालाइज करेगा। तो पावर क्वेरी में फिल्टर लगा के या फिर रिप्लेस करवाना, बहुत सारी चीजों से उस सारे रोज को रिमूव करना होगा। और अगर कोई सेल ब्लैंक है वो भी उसको सेट नहीं करेगा पावर बी आई नहीं, सम कर ब्लैंक है तो उसको नल ले लेगा या फिर जीरो ले लेगा, ब्लैंक से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है सर। आपने क्योंकि सर मैं इसको देख रहा हूँ सर अपने ना प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से, आपने तो इसको बिल्कुल एज क्लीन डाटा उसको लिया है, जैसे एक बार बहुत सिंपल डाटा। वो सर वो चीज़ें देखिए जो मैंने अभी जो मैंने क्लीन करके यहाँ दिखाया आपको पावर क्यूरी से हुआ, और पावर क्यूरी किस तरह से कर सकता है वो तो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। पावर क्यूरी मैंने अभी कवर नहीं किया हुआ, पावर क्यूरी की स्पेशल 7-8 क्लासेज है जहाँ पे हम बताएंगे कैसे डेटा को क्लीन करते हैं, जब ये चीज़ जान जाए। अच्छा, आप ये बताएंगे आगे पावर क्यूरी में? हाँ, पावर क्यूरी भी बताया नहीं है सर, पावर क्यूरी पहली क्लास में क्योंकि थोड़ा सा टफ है ना सर, थोड़ा ये ना कोर्स कंटेंट बता देते तो इनको आइडिया लग जाता। फिर कोर्स कंटेंट आपको भी जानना है क्या सर? मेरे को तो आपने भेजा हुआ था सर, इनको भी भेज दिया है, इनको भी भेजे हुए, ये हमारे पुराने स्टूडेंट है सर, पहले हमसे और अच्छा तो इनकी प्रॉब्लम है ना, ये देखिए क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं इसको अपने वर्क से, क्योंकि उनके पास क्या होगा, ये अकाउंटेंट है, ये सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इनके पास जो बैंक के स्टेटमेंट या लेजर्स आते हैं ना, उस लेजर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे हम इसमें डालेंगे, समझ गया ना। तो बेटर ये रहेगा सिप्टेन जी कि आप एक सैंपल लेजर फॉर्मेट बना के मुझे मेल कर दीजिएगा, हम उस पर आपको एक क्लास दे देंगे कि कैसे आप अपने डेटा को क्लीन करके इंपोर्ट करेंगे पावर बी आई में, क्या सर? ठीक है सर, मैं आपको बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, ये सही रहेगा ना।
और ऐसी चीज होनी भी चाहिए, क्योंकि आप जो सीख रहे हैं ना उसको अपने काम से रिलेट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने सीखा और आपका काम कहीं नहीं हुआ तो क्या फायदा। यही क्वेश्चन सर, इसी वजह से कि ये क्लास लेने का जो ऑब्जेक्टिव यही है, क्योंकि हाँ, अगर हम यूट्यूब में जाएंगे मेरे तो भी पे क्लास लेने की ऑब्जेक्टिव यही है सर जी, कि मेरी बताई गई चीजों को आप ऑफिस में यूटिलाइज करें। हाँ जी, क्योंकि हम जब भी यूट्यूब के ऊपर जाते हैं ना तो वहाँ पे सब जो है वो अपना एक बेसिक डेटा ले लेते हैं। हाँ, बड़ा नॉर्मल जो एक हर तरफ से उसको क्रिटिकल डेटा हमें क्रिटिकल। और दूसरी चीज क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा ज्यादा क्रिटिकल है तो फिर आपको एक्सेल की मदद लेनी पड़ेगी उस डेटा को अरेंज करने के लिए। चलिए, हालांकि एक्सेल भी चीज है नहीं, बट एक चीज बता देता हूँ आपको कि मेरे पास इस तरह का काम आया था। राइट सर, जैसे आप स्टेटमेंट बोल रहे हैं उसी तरह से एक स्टेटमेंट आया था, जैसे कि यहाँ पे डेट डला हुआ था। राइट सर, जी सर। डेट डालने के बाद यहाँ पे फ्रॉम डाला हुआ था, किससे आया है फ्रॉम, फ्रॉम देने के बाद यहाँ पे पूजा सिंह, ठीक है। और इसके बाद यहाँ चेक नंबर था, चेक चेक में लिखा हुआ था और यहाँ पे 85632 1। देन यहाँ पे जो है डेबिट था या क्रेडिट था वो था यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ था अमाउंट जो आपका अमाउंट है, ठीक है सर। और उसके बाद यहाँ पे और इसी तरह की रिपीटेड हमारे पास बेसिकली वो पीडीएफ में था, तो उस पीडीएफ को उसने क्या किया हुआ था एक्सेल में कन्वर्ट किया, तो कुछ इस तरह से आया। आप किसी यहाँ पे जरूरी कि ब्लैंक जारी हो, ब्लैंक ज्यादा भी हो सकता है। जी जी जी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे हमारा अकाउंट्स डेटा होता है। तो प्रॉब्लम है कि अब इसको पावर बीआई में या पावर क्वेरी में ले जाएंगे तो डेटा सुधरेगा नहीं, क्योंकि आपको जो डेटा चाहिए कुछ इस फॉर्मेट में कि सीरियल नंबर, डेट, फ्रॉम यहाँ पे dr/cr, चेक नंबर dr है और यहाँ पे cr है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे सीआर भी हो सकता है, यहाँ भी सीआर हो सकता है, या फिर ये स्टेटस होगा कि भाई डीआर है या सीआर है, dr/cr है और यहाँ पे अमाउंट है, ऐसे भी हो सकता है। राइट सर, तो आपको क्या करना है, आप जैसे इसमें आप यहाँ डालें, फिर अमाउंट को आप डालेंगे यहाँ पे, फिर डीआर को डालेंगे यहाँ पे, फिर चेक नंबर में से सिर्फ चेक नंबर जो है इसको अलग करेंगे और डालेंगे चेक नंबर में, फ्रॉम लिखा हुआ है पूछ में से फ्रॉम पूजा सिंह को यहाँ लेंगे और यहाँ डालेंगे, ये आपकी एक एंट्री होगी। राइट, ऐसे आपके पास ऐसे सैकड़ों, तो मैनुअल करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं एक्सेल या वीवीए की। अब एक्सेल से हो सकता है, वीवीए से हो सकता है, या दोनों से नहीं हो सकता, और डिपेंड करता है टाइप ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा में होने चाहिए कंडीशंस। जैसे कि कंडीशन यहाँ पर है कि आपका डेट, मेरा जो डेटा स्टार्ट है डेट से स्टार्ट, जैसे यहाँ डेट स्टार्ट हुआ, डेट के अगले कॉलम के नीचे हमारा नेम डाला हुआ है और फिर उसके एक दो तीन कॉलम बाद चेक डाला, तीसरे कॉलम पे चेक डाला है और डेट के चौथे कॉलम पे डीआर और पांचवें कॉलम पे हमारा अमाउंट डाला है, ये हमारा क्या है फिक्स है। अब मान लीजिए किसी में यहाँ होगा, किसी में यहाँ होगा, तो मुश्किल हो जाएगी ना सर, किसी में अमाउंट यहाँ है, किसी में अमाउंट यहाँ होगा, तो हाउ कैन आइडेंटिफाई, क्योंकि आप कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो एक कंडीशन पे लगाएंगे ना सर। बात समझे सर, तो वो देखा जाएगा कितना आदमी, इसमें भी हो सकता है कि मान लीजिए कि इसमें पांच चीजें हैं, चार चीजें आपकी ऑटोमेट हो गई, तो दो चीजें ऐसी जो ऑटोमेट नहीं हो सकती है, उसको मैनुअली करना पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है, कोई कंडीशन ही नहीं बन रहा है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि नेम लिखा हुआ है सुजीत कुमार, अब इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग कर सकते हैं आप, क्या बोल रहे हैं सर? नहीं कर सकते सर। बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे नेम है और इकट्ठा लिखा हुआ है, सारे स्पेसेस गायब है, कोई सेपरेटर नहीं है, तो कैसे बात, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई
नाम क्या है, जैसे यहाँ पे राजकुमार राज, अब इसे फर्स्ट नेम कौन है लास्ट नेम कौन है पता चलेगा क्या? फिर इसको सर सॉल्व कैसे किया आपने? मैनुअल कर, हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए हमने यूज किया सिंपल सा एक ट्रिक्स, हमने एक नया एक ब्लैंक कॉलन लिया और ब्लैंक कॉलन में कुछ नहीं, यहाँ पे कंडीशन लगाया है कि इफ दैट इज ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी जीरो, तो मैक्स ऊपर ऊपर जो नंबर आ रही है उस नंबर में प्लस वन कर दे, और पहले वाले को सॉल्व कर दिया। तो इसने क्या किया, जहाँ जहाँ इस कॉलन में डेट था ना, क्योंकि और की वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ डेट ही है इस कॉलम में, अगर और कोई वैल्यू होती तो फिर हम यहाँ पे इज डेट का फॉर्मूला लगाता कि भाई अगर डेट है तो आगे बढ़े बना ना बढ़े बना सीक्वेंस नंबर ना दे। इससे क्या हुआ, सब डेट का आगे क्या लगा दिया इसने, सीक्वेंस लगा दिया, ठीक सॉरी यहाँ पे अगर नहीं हो तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्पेस कर देते, ठीक है ब्लैंक करने में दिक्कत है तो स्पेस कर दिया, राइट सर। अब मैंने यहाँ सिंपल सा एक वन लगाया, फिर यहाँ पे कंडीशन लगाया कि इफ इसमें प्लस वन तभी करो जब ए प्लस वन ना करो तब कब तक, सिर्फ मैक्स, यहाँ पे मैक्स, और मैक्स में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और कॉमा, ऐसा हुआ तो ब्लैंक, अदरवाइज ऊपर में प्लस वन। तो हमने बोला कि जितना डेटा है ना, जितना हमारा डेट है ना, उसी हिसाब से सीक्वेंस नंबर जनरेट करो। और देखिए नीचे तक इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये सीक्वेंस पांच तक ही सीरियल नंबर जनरेट, क्योंकि पांच पांच ही डेटा है जिसने पांच तक सीक्वेंस नंबर आया। अब मैं वी लुकअप लगाया और वी लुकअप से इसका क्या पता कर लिया, डेट पता कर लिया, सात और तो यहाँ पे 2.0 डेट पता हो गया मुझे सर। डेट के बाद मुझे इसका डीआर पता हो गया, सॉरी आधार से पर अमाउंट, एक मिनट अमाउंट भी पता कर लिया, तीन चार पांच छः सात है, सॉरी सात और आठ, यहाँ पे सात आ गया और यहाँ पे हमारा आठ, ये तो आ गई सर। अब मुझे इसको नीचे की तरफ क्या करना है, तीनों को ड्रैग कर देना है। नीचे एरर आएगा तो इफ एरर लगा दीजिए तो हट जाएगा एरर, वो तो बात की चीज है। अब फ्रॉम कैसे आएगा, तो फ्रॉम के लिए मैंने लगाया मैच का फॉर्म, ठीक है मैच फॉर्मूले में इस वन को लुकअप करके मैंने क्या पता किया कि इसका टोटल नंबर ऑफ रो कौन सा है, तो तीसरा नंबर रो। और फिर मैंने यहाँ पे ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया और बोला कि स्टार्टिंग डेटा से, अब ये ऑफसेट एक कम चलता है तो माइनस वन, मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि नीचे निचला नहीं करना है, इसका नीचे वाला रो कि अगला कॉलम, तो जीरो वन टू टू कॉलम, तो क्या आ गया फ्रॉम पूछा आ गया, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगा देना है और बोलना है कि इसमें जाओ और फ्रॉम लिखा हुआ है स्पेस करके फ्रॉम उसको कर दो डिलीट, मतलब कि ब्लैंक। अब ए वन को फ्रीज कर दीजिए, फॉर्म हो गया सर, फ्रॉम करना चाहिए FROM आ गया नेम सर। और इसी ऑफसेट को इसी फॉर्मूले को आगे लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं इसमें नंबर हो जाएगा टू टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो जाएगा, चेक नंबर आ गया। और इसमें फॉर्म के जगह पे हम बोलेंगे नहीं चेक को रिमूव कर, आगे से लेता परफेक्टली जी सर। सेकंड गुड न्यूज़ वी आर एडिंग एन आवर फास्ट, अब इस डेटा को हम पावर बीआई से कनेक्ट कर देंगे, और पावर बीआई डायरेक्ट एक्सेल को पावर बीआई से कनेक्ट कर सकते हैं, यहां डेटा चेंज होगा ये आपका ये चेंज होगा पावर बीआई ऑटोमेटिक चेंज होगा। इसलिए पावर बीआई जब लिंक होता है तो वो कॉपी पेस्ट सिस्टम नहीं होता है, वो लिंक होता है, डेटा जैसे चेंज होगा रिफ्रेश करने पे ये भी आपका चेंज हो जाएगा,
राइट सर, जी चाहे सर, जिससे लिंक किया। तो वही कहने का मतलब है कि अगर डेटा, अब जैसे मैंने इससे निकाला डेटा, इंटरनेट से डेटा निकाला, तो इसमें छोटी सी प्रॉब्लम थी कि आरएस लगा हुआ था, राइट। तो इसका हमने पावर क्वेरी में अलग कर दिया, पावर क्वेरी में ऐसी ऑप्शन थी हमने अलग कर दिया। लेकिन अब ये आपका अगर इस तरह का कोई डेटा होगा तो पावर क्वेरी तो नहीं अलग कर पाएगा ना। अब डेटा अगर कुछ कंडीशनल है, सब पे कुछ ना कुछ कंडीशन है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला। कंडीशन थोड़ा सा टेढ़ा मेरा है तो यूज द वीवीए। अगर कंडीशन ऐसा है कि कुछ हो ही नहीं सकता तो डू द मैनुअल। तो डिपेंड करता है योर आपके डेटा की जो टाइप्स है उस टाइप के ऊपर। तो सिप्टेन आप जी साहब, जफर जी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आपकी एग्जैक्ट क्या होगी ऑफिस में। हाँ समझ आ गई मुझे, ठीक है ना। तो वही बात है, तो डेटा जब पावर बीआई में आ जाएगा, देन हम पावर बीआई में अपनी रिपोर्ट, या ये जो हमारा रिपोर्ट व्यू है, इस पर अपनी रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब उसको हम पब्लिश करेंगे तो रिपोर्ट चली जाएगी हमारी पावर बीआई वेब पे, राइट सर। पावर बीआई वेब पे जब जाएगी तो फिर वहां से हम उसको, अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, आपके पास प्रो अकाउंट नहीं है, आपके पास क्या बोलते हैं बेसिक अकाउंट है, फ्री अकाउंट है, तो सब चीजें मिलेंगी आपको। जैसे कि आप रिपोर्ट अपने बना के पहले से डाले हुए हैं, ये सब मैंने बनाया रिपोर्ट है, 13 दिन पहले बनाया, 17 दिन, 3 महीना, इस तरह की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे आपको ऊपर चले गए। अब ये रिपोर्ट जैसे पावर खुल रही है ना, ऐसे भी यहाँ खुल रही है, दिख रहा है सर। अब इस रिपोर्ट को शो करवाना चाहते हैं कि रिपोर्ट मेरा शो हो, तो इसको हमें एक्सपोर्ट सिस्टम है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो एनालाइज में, पीपीटी में, पीडीएफ में, या फिर आप इसको लिंक के तौर पे एम्बेड कर सकते हो कि आप इसको वेब ऑन पब्लिक कर दो। तो ये आपका, आपको वेबसाइट का अपनी कोई आर्टिकल वगैरह पे डालना है, वेबसाइट वगैरह में डालना है तो ठीक है, नहीं डायरेक्ट लिंक के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं तो आप ये लिंक भेज दीजिए, जो भी इस लिंक को देखेगा वो लिंक्स के पास भी होगी, आपकी रिपोर्ट को देख सकता है। उसके बाद पावर बीआई हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं और कुछ चाहते हैं तो अगर आपके ऑफिस में पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है तो आप लोग उसको पावर बीआई यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड कर देंगे, तो ये क्यूआर कोड जनरेट कर देगा पावर बीआई के सॉफ्टवेयर से, इसको स्कैन कीजिए, मोबाइल में पावर बीआई का ऐप होता है, उस ऐप से इसको स्कैन कीजिए, आपका रिपोर्ट आपको मोबाइल पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ फ्री है, कुछ चीजें पेड है इसके, जैसे कि आपको इसको एक्सेल में ला के आना चाहते हो तो ये आपको पेड है, इसको आप शेयर करना चाहते हो तो पेड है, ठीक है सर। और इसकी मंथली वही 700-800 रुपया मंथली है इसकी पेमेंट, कोई बड़ी अमाउंट भी नहीं है सर टेबल्यू की जगह पे। तो आई होप कि आपको पावर बीआई की यूटिलिटी समझ में आ गई होगी, कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर।